सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नगर विकास विभाग के निर्देश पर नगर पंचायत बंसीधर नगर के तत्वाधान में सोमवार को स्वच्छता ही सेवा के तहत बंसीधर नगर के गोसाईबाग मैदान से होते हुए नगर मुख्य बाजार स्टेट बैंक होनहो मोड़ से होते हुए हनुमान मोड़ तक जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। इस जागरूकता अभियान में लोगों को स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के बारे में निर्देश दिया गया। नगर सिटी मैनेजर रवि कुमार ने कहा कि प्लास्टिक से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर प्रदूषण से धरती को बचाना है तो प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। अपने घर उपयोग में प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग न करें। स्कूली बच्चों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सिटी मैनेजर रवि कुमार ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करने की भी अपील की। जागरूकता अभियान में सरस्वती विद्या मंदिर व अम्बा लाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय के बच्चों के साथ जागरूकता अभियान चलाकर बताया गया कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में तथा आसपास के लोगों को भी स्वच्छता क्यों जरूरी है तथा स्वच्छता अपनाने व प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने जागरूकता अभियान लगातार 2 अक्टूबर तक चलाए जाने की बातें कही। स्वच्छता ही सेवा मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे लोकप्रिय मिशन है और गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का सपना है उनका। इस बार के स्वच्छ भारत मिशन में एक टारगेट दिया गया है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का। इसको लेकर के हम लोग अपने नगर पंचायत श्री बंसीधर नगर में स्कूली बच्चों के साथ आज जागरूकता रैली निकाले हैं, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं, अम्बालाल पटेल के बच्चे हैं और लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताया गया है, जिससे कि उनके शरीर पे और पर्यावरण पे क्या हानि हो रहा है प्लास्टिक। और आगे भी जारी रहेगा ये।